हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हमने एमसीक्यूज का सेट लिया है वो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से है। चलो अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947, द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिड्यूस्ड टू। बेसिकली क्या हुआ था, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उसमें 389 सीट्स थे पहले। उसके बाद जब माउंटबेटन प्लान आया उसमें पार्टीशन का जिक्र किया, तो पार्टीशन जब हुआ इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद जो इंडिया में सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स उनको रिड्यूस किया गया 299 तक। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम रशिया। बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद प्रेजिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेजिडेंट का इलेक्शन है, CMS का इलेक्शन है। तो जो ये कुछ फीचर है, कौन सा फीचर हमने लिया था रशिया से, तो इसका सही आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से बोरो किया था। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है ये USA से बोरो किया गया था, और मतलब USA के कॉन्स्टिट्यूशन में था, फिर वहाँ से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अडॉप्ट किया। उसके बाद एमरजेंसी पावर जो है ये कहाँ से अडॉप्ट किया, जर्मनी से। सो जो भी फ्यू सिलेक्टेड फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, वो आप अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है उसमें लिखा है सॉवरेन वर्ड भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, सेक्युलर भी हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं और रिपब्लिक भी हैं, बट कम्युनिस्ट वर्ड जो है ये कहीं पे मेंशन नहीं है। अब सॉवरेन क्या मतलब होता है, कि हम एज ए कंट्री जो भी डिसीजंस लेंगे वो हम किसी और कंट्री के इन्फ्लुएंस या दबाव में आके नहीं लेंगे। इसके अगर अभी प्रेजेंटली एग्जाम्पल हुआ था, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि आप रशिया से ऑयल परचेज़ करना बंद कर दो। उसके रिप्लाई में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि जैसे आप परचेज़ करें तो हम भी अपने लोगों के बेनिफिट के लिए वहाँ से परचेज़ करेंगे ऑयल। सेक्युलर का मतलब होता है कि एज ए कंट्री हम सारे रिलीजनस को रेस्पेक्ट करेंगे, और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होगी वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। बट आजकल इसका टोटल अपोजिट हो रहा है। एनीवे, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी जैसे हमारे पास तीन फेज होता है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कंट्रीज में लॉज बनाती है, उनको इलेक्ट करेंगे पीपल अपने वोट से, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। क्वेश्चन फोर, विच थ्री वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड लेटर इन द प्रीएम्बल अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बेसिकली ये जो पीरियड था इंदिरा गांधी जी का टाइम था, बहुत थोड़ा डिस्टर्बड पीरियड था, तो इसमें कौन से तीन वर्ड्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इस अमेंडमेंट से। इसका मतलब होता है कि जो प्रीएम्बल आया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पर ये वर्ड्स नहीं थे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में। लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट 1976 से इंट्रोड्यूस किए गए ये, तो कौन कौन वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। क्वेश्चन फाइव, फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35 तक है। उसके बाद जो पार्ट फोर है इसमें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। फिर पार्ट फोर ए में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 51A में, और पार्ट फिफ्थ जो है आर्टिकल 52 to 151, इसमें द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। क्वेश्चन सिक्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी आर मेंशनड। देखो अगर हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो उसमें जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है उसमें आपके राइट टू इक्वलिटी के बारे में है। राइट टू इक्वलिटी के बाद राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 to 22 में है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम के बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। क्वेश्चन सेवन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सारे बेसिकली आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 आपका राइट टू इक्वलिटी में आता है, तो उसी में जो आर्टिकल 17 है उसमें है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। क्वेश्चन एट, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। तो आर्टिकल 21 में आपको राइट टू लाइफ आता है, और राइट टू लाइफ की फिर बहुत सारी सब सेक्शनज हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें राइट टू लिव ए डिग्निटी आता है कि आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हो, राइट टू प्राइवेसी आता है कि
राइट टू प्राइवेसी का अगर हम एग्जांपल देंगे कि लास्ट ईयर जब कोविड-19 हुआ था उसके बाद सब कुछ शिफ्ट हुआ ऑनलाइन, तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने फिर डिसाइड किया कि जो भी टीचर्स है अब वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाए। उसके बाद कुछ वुमेन टीचर्स थी, फीमेल टीचर्स थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सेफ्टी या हाइजीन का इशू आ रहा है जूम ऐप पे। देन उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स ने उन्हें थ्रेटन किया कि अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो हम आपको जॉब से निकालेंगे। उसके बाद एक केस कोर्ट में चला गया। उसके बाद कोर्ट ने जस्टिफाई किया कि इनको पूरा राइट है अगर ये ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज ये इनका फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है। और प्राइवेट स्कूलों कहा कि आप इनको जॉब से नहीं निकाल सकते। तो ऐसे हमें रिलेट करना होता है इन फंडामेंटल राइट्स से, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, अपने पर्सनल या डे टू डे लाइफ से। क्वेश्चन 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ए हायर कोर्ट ऑर्डर्स द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए पेंडिंग मैटर टू ए हायर अथॉरिटी और कोर्ट। बेसिकली क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है, मानो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास बहुत सारे कुछ केसेस पड़े हैं तो अब हाई कोर्ट उसको कहेगा कि आप कुछ केसेस हमें ट्रांसफ़र कर दो ताकि हम जल्द जल्द इनका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ है या रिट जो इसके लिए है उसे हम कहेंगे सिट्यूररी। बेसिकली टोटल 5 रिट्स हैं हमारे पास, हिबिस्कॉपस है, प्रोहिबिशन है, मैंडमस, सिट्यूररी और क्यो वारंट। अब हिबिस्कॉपस क्या होता है, हिबिस्कॉपस में क्या होता है कि जो जो भी कोई अरेस्टेड पर्सन है तो उसको आपको मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने विद इन 24 आवर्स में पेश करना है। अब सेकंड जो है मैंडमस, मैंडमस क्या होता है बेसिकली कि मानो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, अब क्या होगा कि कोर्ट जब वो एक इशू करेगा रिट जिसे मैंडमस कहते हैं और कहेगा उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि आप अपनी जो लीगल ड्यूटी इसको करो। अब थर्ड प्रोहिबिशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को ये रिट इशू करता है और बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है, मानो ये जो पर्टिकुलर केस है इस पर आपकी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। क्वेश्चन 10, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अंडर विच आर्टिकल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, हिंदूज हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन, अब क्या है कि अब हर रिलीजन का अपना एक कस्टमर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट हैं फॉर एग्जाम्पल, या शरिया लॉ हैं जैसे मुस्लिम्स का, तो इन सब को हटा के हम एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स बनाएं और उसकी वजह से, और उसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। क्वेश्चन 11, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। बेसिकली जो राइट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 3 प्रिंसिपल ऑफ बेस्ड है, एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल या नेहरूवियन मॉडल, गांधीयन प्रिंसिपल और एक लिबरल प्रिंसिपल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन और जो जितने भी राइट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी उनको हमने इन 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है ये किस प्रिंसिपल का, ये किस प्रिंसिपल में है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में। क्वेश्चन 12, फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और 61st अमेंडमेंट से आपका जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस की गई थी 21 से 18। और उसके बाद 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, उसमें पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और 86th अमेंडमेंट जो है इसमें जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A। क्वेश्चन 13, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके आर्टिकल 51A में है। क्वेश्चन 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ये भी, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, टू पे टैक्सेस बेसिकली ये कंपलसरी है, तो ये इसका सही आंसर है।